वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। निम्नलिखित कोणों की व्यवस्था कीजिए और उन्हें एक चांदी से मापकर सत्यापित कीजिए। आपको कोण बनाने हैं 75, 105, 135। आइए कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम ये स्केल लेंगे, इससे एक सीधी लाइन खींच लेंगे। उसी तरह से इसको आप ओ और ए दाम दे दीजिए। अपना ये इंस्ट्रूमेंट लीजिए और इसको आप यहाँ पर सेंटर पर रखते हुए और एक ये चाप खींच दीजिए, जिससे एक सेमी सर्कल बन जाए। ओके, ये सेमी सर्कल बन गया आपका। एक आप चाहो तो इसको आगे तक बढ़ा सकते हो। अभी सेमी सर्कल आपको पता है 180 डिग्री के होते हैं कुल। अब आपको इसको पहले तीन भाग कर लीजिए। तीन भाग करने के लिए आप ये जो यहाँ का सेम रखिए, इसका डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस रखते हुए आप एक यहाँ से चाप कीजिए और एक कट यहाँ लगाइए और दूसरा कट आप यहाँ सेंटर रखते हुए यहाँ लगा दीजिए। अब ये तीन भागों में हो गया। ये आपका हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री। तीन कोणों में इसका गप्त हो गया। सबसे पहले आपको 75 डिग्री का बनाना है। 75 डिग्री का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप जो है ये 60 का है, एक 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। तो 60 और 90 के बीच में जो आएगा वो 75 आएगा, ठीक है। 60 और 90 का डिफरेंस जो है वो 30 होता है, 30 का हाफ 15 होता है। तो 60 में 15 जोड़ेंगे या 90 में 15 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। अब इसको बनाने के लिए 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको यहाँ पर चाप रखिए, ये कट रखिए और यहाँ पर ये रखिए और ये कट रखिए। अब आपका जो है ये कोण जो कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। यहाँ से जब इसको आप मिलाएंगे, ठीक है, देखिए हमने आपको ये मिला दिया, ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया और ये आपका 60 डिग्री का है। ओके, इसको भी आप मिला दीजिए। अब 60 और 90 के बीच में 75 होगा तो आप अपने इसको चाप को यहां रखिए, इस कॉर्नर पे ये कट लगाइए और यहां पर रख करके और ये कट लगाइए, ठीक है। 60 और 90। अब ये यहां पर मिलेगा, ये आपका 75 डिग्री का कोण हो जाएगा। कैसे बनेगा, ये इसको बाइसेक करता है, ठीक है, ये 60 है, ओके, और ये क्या है 90 हो गया, ओके, और ये 60 है तो ये कितना हो गया 30 हो गया, और इस 30 का फिर आधा आधा किया तो ये कितना हो गया 15 हो गया, ये आपका 15 हो गया। अब 15 और 60 कितना हो गया 75, तो ये आपका जो कोण है ये कितना हो गया 75 डिग्री, नंबर वन। अब आपको बनाना है 105 डिग्री का। देखिए 90 का हमारे पास में है, ये 60 का, ये 120 का है, ठीक है, ये कितने का है 120 का। आप इसको भी खींच दीजिए, ये आपका कोण हो गया यहां से लेके यहां तक 120 का, और ये 90 का है और ये 120 का है, तो कितना हुआ ये दोनों का मिला के 90 और 120 का डिफरेंस 30, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। 30 का हाफ कर देंगे आप और उसको 90 में ऐड कर देंगे तो 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 30 का हाफ करने के लिए आप यहां से और यहां से इन दोनों बिंदुओं से आर्क लगाइए, यानी आप यहां से लगाइए, यहां से लगाइए और उसके बाद में आप यहां से लगाइए, इन दोनों को आप मिला दीजिए। ये क्या हो गया 30 का हाफ, यानी ये हो गया आपका 15, ये आपका 90 है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये 90 है, यहां से लेके यहां तक 90 है, और ये 15 इसमें ऐड कर दो तो 105 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको जो है ये कोण 15 का ये है, 90 का ये, तो यहां से लेके आप जो है इस कोण को यहां तक करोगे, ये कोण कौन सा हो गया 105 डिग्री का हो गया। यूं कर लीजिए कि भाई एक डिग्री ये जो है यहां से लेके यहां तक ये 105 डिग्री का हो गया। ओके, अब आपको बनाना है
135 डिग्री का, 135 यानी कि 120 तो आपका ये आपका 90 है, 90 और ये 180 है, 90 और 180 का सेंटर पॉइंट क्या होता है 135, 90 और 180 का डिफरेंस कितना हुआ 90 का हाफ 45 इधर ऐड कर दीजिए या 45 इधर से ऐड कर दीजिए, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम अगर बीच में से काटेंगे तो वो हो जाएगा 135 का, ठीक है। अब काटिए, ये पॉइंट आपने 90 वाला है, ये 90 वाले कट लगाइए, आप यहां लगाइए इसको, ओके, और ये 180 वाले का कट भी आप जो है यहां लगाइए ताकि इसको कट कर दे, तो ये इसको 90 और 180 को आधे आधे में विभक्त कर देता है। अब इसको आप मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22 सेक्टर हो जाएगा 90 और 180 का, ठीक है। तो ये जो कोण बचेगा, ये जो कोण यहां से बनेगा, यहां से लेके और यहां तक, ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री, या यूं कहिए कि आप यहां से लेकर के और यहां तक जो बनेगा ये कोण आपका 135 डिग्री हो गया, और ये बाकी कितना रह गया 45 डिग्री, यहां से यहां तक 45, ये 45 90, ठीक है, 45 और 90 के बीच में ये जो पॉइंट आपका आया, ये जो है 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135, क्लियर। अब आप ये प्रोट्रैक्टर को यहां रखिए, इसको यहां मिलाइए, नीचे की लाइन से नीचे की लाइन मिला दीजिए, आटो को नाप लीजिए, देखिए ये आप 135 130 और 40 के बीच में 35, ये 90 डिग्री पे 90 डिग्री के ऊपर आ रहा है, ये आपका 100 और 110 के बीच में 105 पे आ रहा है, और यहां पर आप देखिए ये जो है ये 60 डिग्री पे आ रहा है, और ये आपका आ रहा है 75 डिग्री पे, ये 70 और 80 के बीच 75 डिग्री पे आ रहा है, ये वाला 75 आ रहा है, 90 पे आ रहा है, ओके, ये 105 पे आ रहा है, और ये जो है आपका 135 पे आ रहा है। ये हमने प्रोटेक्टर को रख के इसको नाप लिया, आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया। 75 डिग्री का कोण बनाने के ये स्टेप्स हैं, पॉज करके पढ़ लीजिए, 105 डिग्री के ये स्टेप्स हैं, पॉज करके पढ़ लीजिए, और 135 डिग्री के ये चरण हैं, इन चरणों को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।